नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन पर। साथियों, आज हम लोग फिर से BHU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे कि एग्रीकल्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे गए हैं और किस टाइप से इस बार आ सकते हैं, इससे हम लोग को अंदाज़ा लग सकता है। देखिए, यहाँ पर हम लगातार आप सभी के लिए BHU के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा रहे हैं और इसी आधार पर जो भी छात्र UP कैडेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MP पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या BCC बोर्ड की पेपर कर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप सभी ने BHU का फॉर्म डाला होगा या नहीं डाला होगा तो आपके स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। आपने खुद देखा होगा कि हम तकरीबन 4 से 5 वीडियो जो है बना चुके हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, BHU का, और उनमें और आज वाले पेपर में आप खुद देखेंगे कितने क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार रिपीट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं इसको क्वेश्चन को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है दोस्तों स्क्रीन पर। निम्न में से कौन एक ग्रीष्म मौसम सब्जी है? ग्रीष्म मौसम की सब्जी कौन सी, यानी कि वार्म सीजन वेजिटेबल कौन सा है? इसमें से आपको ऑप्शन है भिंडी, मटर, बंद गोभी या फिर शलजम। भिंडी, मटर, बंद गोभी या फिर शलजम। देखिए फटाफट आप सभी छात्र जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जाएंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है आप फटाफट कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर। तो अगर हम लोग दोस्तों ग्रीष्म मौसम की सब्जी की बात करें तो यहाँ पर आपका भिंडी जो है वो ग्रीष्मकालीन सब्जी हो जाएगी, ग्रीष्मकालीन सब्जी भिंडी यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, जीनी संरचना AA वाले एक व्यक्ति को कहते हैं। एन इंडिविजुअल हैविंग द जीन टाइप AA इज नोन एज। अगर AA है तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन आपको देखिए हेट्रोजाइगोट, होमोजाइगोट, F1 या फिर हाइब्रिड। हिंदी में देखेंगे तो विषम युग्मज, समयुग्मज, F1 या फिर संकर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B होमोजाइगोट, यानी कि समयुग्मज यानी कि होमोजाइगोट कहते हैं। अगर जीनोटाइप जो हो AA में है तो उसे होमोजाइगोट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की घोषणा किसने की? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन या फिर जेंथोफिल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीन कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैगन का बीज दर होता है। देखिए फटाफट हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आप सभी को आ रहे होंगे आप फटाफट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जाएंगे, क्योंकि अगर धीमा बताएंगे और डिटेल बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को हम लोग 20 से 22 मिनट में कंप्लीट करना है। चलिए फटाफट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, बैगन का सीड रेट कितना होता है? बैगन का बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना होता है? ऑप्शन है 150 से 300 ग्राम, 375 से 500 ग्राम, 500 से 750 ग्राम, 700 से 1000 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर अगर ब्रिंजल के सीड रेट की बात करें, बैगन के बीज दर की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 से 300 ग्राम यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये जो है ये हाइब्रिड का है। किसका है? ये हाइब्रिड का है, ये हाइब्रिड सीड का, हाइब्रिड का सीड रेट है, ये हाइब्रिड जो है ब्रिंजल का सीड रेट है। बट अगर नॉर्मली यहाँ पर हाइब्रिड का नाम नहीं लिया गया है, देखिए क्वेश्चन में कहीं भी हाइब्रिड वर्ड नहीं यूज किया गया है, तो ऐसे हम लोग 400 होता है, 375 से 500 को हम लोग टिक करने वाले यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाजर एक अच्छा स्रोत है। गाजर किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है लाइकोपिन, वसा, कैरोटीन या फिर प्रोटीन। तो यहाँ पर आप सभी को इसको पता चल गया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर फल है, टमाटर किस प्रकार का फल है? आपको बताना है बेरी, सोरोसिस, पेपो या फिर कैप्सूल। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरी,
बेरी जो है वो टमाटर का फल का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में FPO यानी कि फलों का उत्पादन आदेश, यानी कि इसको इंग्लिश में हिंदी फुल फॉर्म इसका है फ्रूट प्रोडक्ट आर्डर, FPO का फुल फॉर्म क्या है फ्रूट प्रोडक्ट आर्डर कब लागू हुआ, भारत में FPO फ्रूट प्रोडक्ट आर्डर जो है वो कब लागू हुआ। ऑप्शन है 1955 में, 1950 में, 1945 में और फिर 1959 में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर एक 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की उच्चतम उत्पादकता है यानी कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ग्रेप्स की पूरे वर्ल्ड में किस कंट्री में है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी जो है ऑल वर्ल्ड में इंडिया की सबसे हाईएस्ट है। बट अगर प्रोडक्शन की बात यहीं पर करें हम लोग, प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना की प्रोडक्शन जो है ग्रेप में हाईएस्ट है। तो यहाँ पर आप याद करेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया। इंडिया जो है यानी कि भारत जो है इसके उत्पादकता में भारत सबसे आगे है, वहीं पर अगर उत्पादन की बात करें तो चाइना आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी का कारण होता है, पाउडरी मिल्ड्यू किसके कारण होती है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, कवक, वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी कवक, यानी कि फंगस के द्वारा पाउडरी मिल्ड्यू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूल गोभी में हुईपटेल का कारण होता है, फूल गोभी में हुईपटेल का कारण क्या है। ऑप्शन है आपके पास बोरान की अधिकता, बोरान की कमी, मॉलिब्डेनम की अधिकता, मॉलिब्डेनम की कमी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मॉलिब्डेनम की कमी, फूल गोभी में हुईपटेल किस कारण होता है, मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का मुख्यतः प्रवर्धन होता है, मुख्यतः आलू का प्रवर्धन जो है प्रोपोगेशन जो है वो किसके द्वारा करते हैं। ऑप्शन आपके पास कंद, घन कंद, बीज या फिर सेट्स, इंग्लिश में देखेंगे ट्यूबर, कॉर्न, सीड या फिर सेट्स। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर एक ट्यूबर, यानी कंद, कंद जो है उसके द्वारा आलू का प्रोपोगेशन किया जाता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज सेब, केला, आम या फिर अमरूद। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा आम है, बट यहाँ पर आम का जो है आप सभी बॉटनिकल नेम भी याद करके चलेंगे, बॉटनिकल नेम भी आप सभी याद कर, क्योंकि कभी कभी बॉटनिकल नेम से भी दे जाता है, क्योंकि ऑप्शन में आपको आम, केला, सेब इस टाइप से नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर मैंगी फिरेंडी का इस टाइप से मिलेगा, मूसा पैराडिसिया का इस टाइप से आपको इसका साइंटिफिक नेम बॉटनिकल नेम जो है दे दिया जाता है। तो इसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है और इसका बॉटनिकल नेम याद करके आपको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म तत्व का एक उदाहरण है, सूक्ष्म तत्व का एक उदाहरण है मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम या फिर गंधक। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात यहाँ पर किया जा रहा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का हमने आप सभी को पिछली वीडियो में ट्रिक भी बताया था और बताया था कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं, आपको बताया था हमने जनाब मोनी फेकू है मैंने कल देखा, ये ट्रिक आप सभी को मैंने बताया हुआ है, जनाब मोनी फेकू है मैंने कल देखा, जनाब मोनी फेकू है मैंने कल देखा, ये आपको ट्रिक मैंने बताया हुआ है। तो इसको जो है आप सभी याद कर लेंगे, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि इसमें सूक्ष्म तत्व कौन कौन से हैं। यहाँ पर तांबा जो है इसका सूक्ष्म तत्व है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन पपीते का किस स्टेट में होता है इंडिया में। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इसका दोस्तों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर थ्री आंध्र प्रदेश। पपीते का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। वहीं पर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स ऑल ओवर महाराष्ट्र में होते हैं, बट अगर पपीते का स्पेशल पूछे तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, यानी कि आम का प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन आपके पास चापी कलम बंधन, कर्तन, ऑप्शन सी है दावा, ऑप्शन डी है बिनियर कलम बंधन। इंग्लिश में देखेंगे आप समझ में आएगा आपको, इनार्चिंग, कटिंग, लेयरिंग या फिर बिनियर ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी बिनियर ग्राफ्टिंग। देखिए आप अगर इंग्लिश में देखेंगे आपको हो सकता है समझ में आ जाए, इसलिए जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको एक बार इंग्लिश जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंची टॉप रोग होता है, बंची टॉप रोग किस में होता है। ऑप्शन है आपके पास आलू में, आम में, केला में या फिर टमाटर में।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 केले। बंची टॉप रो किस में होता है? केले में होता है। अगला क्वेश्चन है, जापानी व्हाइट एक किस्म है, जापानी व्हाइट किसकी किस्म है? ऑप्शन है टमाटर की, भिंडी की, मूली की या फिर बैंगन की। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है 168 का ऑप्शन नंबर 3 मूली की। जापानी व्हाइट जो है वो मूली की वैरायटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है। देखिए हमने विटामिन सी के बारे में आप सबको बताया था पिछली वीडियो में, जब हमने बताया आप सबको पढ़ाया था असली अनाज बेचे क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स का, तो उसमें हमने आपको डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होती है? बारबासियरी में। उसके बाद किस में होती है? फिर उसके बाद किस में होती है? हमने 3-4-5 सीरियल से आपको बता दिए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सबसे ज़्यादा विटामिन सी का अमरूद में, नींबू में, आंवले में या फिर मिर्च में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 आंवले में। विटामिन सी सबसे ज़्यादा निम्न में से आंवले में पाया जाता है। अगर ऑल ओवर पूछे तो बारबासियरी है, लेकिन बारबासियरी का ऑप्शन में अगर नहीं है तो आप आंवले को टिक करेंगे, और वहीं पर अगर आंवला भी नहीं है तो आप अमरूद में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर एक प्रसिद्ध नस्ल है। गिर किसकी प्रसिद्ध नस्ल है? ऑप्शन है आपके पास भैंस की, गाय की, बकरी की या भेड़ की। देखिए हमने आप सभी को बताया था कि जो नस्लें हैं वो नस्लों को भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्योंकि छात्र जो होते हैं वो सोचते हैं कितने ईजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट जो आप समझते हैं वही क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आप नहीं सोचते हैं कि क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है। तो गिर एक प्रसिद्ध नस्ल, देखिए नस्ल का नाम पूछ लिया गया आपसे, जबकि ये ईजी क्वेश्चन सब हर बच्चा जानता होगा। गिर किसकी नस्ल है? गिर जो है वो गाय की नस्ल है। हमने आपसे एक ट्रिक बताया था, साला देगी हाथा का ओरानी आना गंगा पे खाके में, वही आपको ट्रिक बताया था, और इस ट्रिक के माध्यम से अगर आप चाहेंगे तो सारी नस्लें जो हैं वो गाय की याद हो जाएंगी आपको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसको इंग्लिश में देखेंगे इंडियन शुगर केयर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आई आई एस आर। ये क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था, पिछले जो पेपर सॉल्व करवाया था हमने उसमें भी दिया गया था। इसमें से आपको कम से कम जो है 6 से 7 क्वेश्चन आपको पिछले वाले पेपर से मिलेंगे, रिपीट हुए हैं। जो पिछला पेपर हमने आपको सॉल्व करवाया था उसमें जो है उसके क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन जो है आपको इसमें रिपीट मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएसआर भी रिपीट हो रहा है। आईएसआर कहाँ स्थित है? आपको बताया था हमने लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिटकेल एक क्रास है। ट्रिटकेल किसका क्रास है? ऑप्शन आपके पास है व्हीट इंटू राई, व्हीट गुड़े राई, व्हीट गुड़े बाजरा, बाजरा गुड़े राई, व्हीट गुड़े मेज, यानी गेहूं गुड़े राई, गेहूं गुड़े बाजरा, गेहूं और राई, गेहूं और मक्का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गेहूं गुड़े राई। गेहूं और राई जो है इसका सिकल सीरियल भी कहते हैं ट्रिटकेल को, ये इसका क्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में बौनी किस्मों के गेहूं का आगमन किस वर्ष में हुआ? देखिए ये भी पिछले वीडियो में डिस्कस हम लोगों ने किया था, पिछले में रिपीट हुआ क्वेश्चन, 1960, 1947, 1963 या फिर 1977। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1963 में भारत में बौनी गेहूं का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है पिछले वाले क्लास से, पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। यहाँ पर देखिए 740 वाट, 674 वाट, 764 वाट, 746 वाट, सेम ऑप्शन भी यही आपको पिछले वाले पेपर में मिलेंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAP में पोटास की मात्रा, देखिए ये क्वेश्चन भी आपको रिपीट हुआ मिला है। DAP में पोटास की मात्रा होती है, ऑप्शन है 20%, 18%, 0% या फिर 30%। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में फलों और सब्जियों में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या फिर चौथा स्थान। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 दूसरा स्थान। विश्व में फल और सब्जी में भारत का दूसरा स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है, रानी खेत रोग का संबंध है ऑप्शन है गाय से, भैंस से, भेड़ से या फिर मुर्गी से। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर
डी मुर्गी से। मुर्गी से देखिए, ये भी जो एक क्वेश्चन भी पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना मिट्टी के पौधे उगाना कहलाता है। बिना मिट्टी के पौधे को उगाना क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोस्टेटिक्स, हाइड्रोनॉमिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोपोनिक्स। बिना मिट्टी के पौधे उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के एक टुकड़े पर केवल एक ही फसल को बार बार उगाना कहलाता है। देखिए इसको अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए ज़्यादा आसानी से, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में क्या नाम लिखा गया है, एकधा सस्यन, मिश्रित सस्यन, अंतरा फसल सस्यन या अनुक्रमिक सस्यन। तो आप हिंदी में कन्फ्यूज हो जाएंगे, हिंदी आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको आप कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको इंग्लिश में आप जरूर देखें। यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ग्रोइंग अप ओनली वन क्रॉप ऑन एन पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे, मोनोक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग या फिर सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका यहाँ पर सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में करनाल बंड का कारण होता है। गेहूं में करनाल बंड का कारण होता है निबोशिया इंडिका, टिलेशिया होरिड, यूरोसिस्टिस टिट्साई, ऑस्ट्रेलिया टिट्साई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर दो, टिलेटिया हॉरिड। टिलेटिया इंडिका भी कहते हैं इसको, कहीं कहीं टिलेटिया इंडिका आपको मिलेगा, कहीं कहीं टिलेटिया हॉरिड मिलेगा, बट यहाँ पर टिलेटिया आप याद करके चलेंगे, टिलेटिया इसका काजल ऑर्गेनिज्म है, और टिलेटिया हॉरिड मिले या टिलेटिया इंडिका मिले, दोनों में से कोई भी एक लगा देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पौधे पर नर और मादा फूलों का उत्पादन करने वाला पौधा कहा जाता है। एक ही पौधे पर नर और मादा फूलों का उत्पादन करने वाला पौधा कहलाता है। ऑप्शन है एक लिंगाश्रय, उभय लिंगाश्रय, पॉलीगैमस या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसको भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में कि एक ही पौधे पर जब नर और मादा फूल जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं, वो दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है डायोसियस, मोनोसियस, पॉलीगैमस या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोनोसियस। क्या कहते हैं उसे? मोनोसियस कहते हैं। अगर एक ही प्लांट पर नर और मादा फूल दोनों एक ही प्लांट पर पाए जाएँ तो उसे क्या कहते हैं? मोनोसियस कहते हैं। अगर अलग अलग प्लांट पर नर और मादा पाए जाएँ तो उसे बोलते हैं डायोसियस, जैसे कि पपीता या परवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडेफोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। इडेफोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन है मृदा विकास का, ऑप्शन बी है पौधे और भूमि के मध्य संबंध का, ऑप्शन सी है चट्टान का, ऑप्शन डी है फलों एवं सब्जियों का। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पौधे और भूमि के मध्य संबंध का। डेफोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पौधे और भूमि के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं डेफोलॉजी में। वहीं पर पीडोलॉजी की बात करें, पीडोलॉजी में मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं, मृदा का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम की बीज रहित प्रजाति है। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? अल्फांसो, अर्का अनमोल, नीलम या फिर सिंधु। यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिंधु। आम की सीडलेस वैरायटी कौन सी है? सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना का उत्पत्ति स्थान है। गन्ने का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ऑप्शन है भारत, ब्राजील, चीन या अफ्रीका। यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजानस कजान वैज्ञानिक नाम है। केजानस कजान वैज्ञानिक, देखिए साइंटिफिक नाम के बॉटनिकल नेम से आपके एक नए एक क्वेश्चन श्योर आएंगे। बॉटनिकल नेम, ओरिजिन प्लेस, फैमिली, आप ये तीनों जरूर याद करेंगे। जितने भी क्राफ्ट आप पढ़े होंगे हार्टिकल्चर या एग्रोनॉमी में, उन सभी को आप रट के जाएंगे, क्योंकि वहाँ से आपके एक क्वेश्चन मिनिमम जो है वो आएंगे, मिनिमम एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स बनते हैं आपके। केजानस कजान जो है वो किसका बॉटनिकल नेम है? यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास लास्ट वाला अरहर, तो इसका अरहर का बॉटनिकल नेम है केजानस कजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन बना होता है। जीन किसका बना होता है? ऑप्शन है लिपिड का, प्रोटीन का, डीएनए का या आरएनए का। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सबसे अधिक कीटनाशक खपत करने वाली फसल है? ऑप्शन है कपास, मक्का, गेहूं या फिर अरहर। इंडिया में सबसे ज़्यादा कीटनाशक जो है इंसेक्टिसाइड किस फसल में यूज होता है आप आपको बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर एक कपास यानी कॉटन, कॉटन में सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज, केल्विन साइकिल को क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है C3 चक्र, C3 साइकिल यानी कि C4 साइकिल, हैच एंड स्लैग साइकिल या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर C4 साइकिल और हैच एंड स्लैग साइकिल एक ही है, यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 C3 साइकिल। ऑप्शन नंबर एक जो है C3 साइकिल इसका राइट आंसर होगा, इस C3 साइकिल को ही केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस आवश्यक होता है, फास्फोरस किसके लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन है शाखा वृद्धि के लिए, जड़ विकास के लिए, जीवाणु विकास के लिए या कवक विकास के लिए। इंग्लिश में भी देख लेंगे आप, शूट ग्रोथ के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए या फिर फंगल ग्रोथ के लिए। तो जो फास्फोरस होता है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जड़ विकास के लिए यानी कि रूट डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल चक्र है, सबसे उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? ऑप्शन है धान गेहूं, मक्का गेहूं, मूंगफली गेहूं या फिर धान मक्का। तो देखिए जब भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि कम से कम एक ही फैमिली के क्रॉप्स ना हो या फिर एक ही फैमिली के ना हो या फिर सेम रूट वाले क्रॉप्स ना हो। जैसे कोई क्रॉप उथली जड़ वाला है तो उसके बाद हमको गहरी जड़ वाला फसल उगाना चाहिए हमेशा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, अगर फसल चक्र अपना रहे हैं आप तो उथले जड़ वाले यानी कम गहराई तक जाने वाले जड़ के बाद आप अधिक गहराई तक जाने वाले जड़ को उगाएंगे तो आपका जो है वो पोषक तत्वों में वृद्धि आएगी। जहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 मूँगफली और गेहूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैमिली भी दोनों की चेंज है और रूट्स जो हैं दोनों के चेंज है, यानी कि एक का गहराई तक जाता है, एक का उथली जड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों को पकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला पौध वृद्धि नियामक है, पौध वृद्धि नियामक है कौन सा? इंग्लिश में देखेंगे आप यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज फॉर रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स के रैपनिंग के लिए, फ्रूट्स को पकाने के लिए, फसल फल को पकाने के लिए कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज करते हैं? ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, ग्लाइफोसेट, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड और एथिलीन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइजेम, जिसको ट्राइजेम के नाम से आप जानते होंगे, ट्राइजेम TRYSEM इंग्लिश में आप देखेंगे ट्राइजेम आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप हिंदी में देखते तो आपको हो सकता समझ में ना आता कि क्या लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आपको यही पढ़ाया गया होगा ट्राइजेम के नाम से, ट्राइजेम के नाम से आपको पढ़ाया गया होगा। यहाँ पर ट्राइजेम किस वर्ष स्टार्ट हुआ आपको बताना है, ऑप्शन है 1989, 1978, 1982 या फिर 1979। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन है DAPOG फसल उगाने की पद्धति का संबंध है। अब देखिए यहाँ पर भी आप नहीं समझ पाते, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। डाइपोग यहाँ पर लिखा हुआ है, डाइपोग, तो डाइपोग मेथड ऑफ क्रॉप रेजिंग इज एसोसिएटेड विद, यानी कि डाइपोग क्रॉप जो है वो क्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो डाइपोग मेथड है ये क्या, इससे क्या करते हैं? ऑप्शन है आपके पास अंतःशस्य कर्षण क्रियाएँ, पौधशाला उगाना, बीज क्यारी तैयारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर पौधशाला तैयार करना, इसको भी आप अगर नहीं समझ पाएंगे पौधशाला तैयार करना तो यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे आप नर्सरी रेजिंग, नर्सरी तैयार करने के लिए डाइपोग मेथड का प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं? धान में करते हैं, आप सभी जानते होंगे। जेली इज, जेली है, जेली क्या है? अपारदर्शी, गैर पारदर्शी, पारदर्शी या सभी, सेमी ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसपेरेंट। जेली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पारदर्शी, यानी कि ट्रांसपेरेंट होती है जेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक्टर विशेष रूप से बने होते हैं, ट्रैक्टर किस लिए बने होते हैं? ऑप्शन है आपके पास जुताई कार के लिए, कर्षण ढुलाई कार के लिए, वाहन कार के लिए या फिर निश्चल कार के लिए। तो आप सभी जानते होंगे
मिनी जो ट्रैक्टर का काम होता है वो होता है जुताई करना। जुताई करना मिनी ट्रैक्टर का काम होता है, बाकी वाहन ढोने के लिए ट्रक्स वगैरह होते हैं, बट ट्रैक्टर का मेनली काम होता है जुताई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबलर इज यूज फॉर, डिबलर किस लिए यूज करते हैं? ऑप्शन है जुताई के लिए, बुआई बीज बुआई के लिए, मृदा समतलीकरण के लिए, या अंतः सस्यकर्षण के लिए यानी कि इंटरकल्चर के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीज बुआई के लिए, सीड सोइंग के लिए डिबलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क हल के झुकाव का कोण होता है? ट्राइंगल ऑफ डिस्क प्लाउ इज, डिस्क हैरो का क्वेश्चन यहाँ पर दिख कम रहा थोड़ा, डिस्क हैरो का झुकाव कितना होता है? डिस्क हल का झुकाव कितना होता है? ऑप्शन है 10 से 15 डिग्री, 15 से 25 डिग्री, 60 70 डिग्री, या फिर 45 से 55 डिग्री। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 45 से 55 डिग्री डिस्क हल का झुकाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज डिस्कवर द कंट्रोल ऑफ खैरा डिजीज ऑफ राइस, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि खैरा रोग के नियंत्रण की खोज किसने किया, खैरा रोग के नियंत्रण की खोज किसने किया? ऑप्शन है YL नैने, पहला ऑप्शन डॉक्टर YL नैने, डॉक्टर अमेरिका सिंह, डॉक्टर PK चक्रवर्ती, डॉक्टर SC दुबे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, YL नैने, डॉक्टर YL नैने ने खैरा डिजीज के नियंत्रण की खोज की। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फैमिली ऑफ मैंगो, यानी कि यहाँ पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो गए हैं, आम की परिवार क्या है, आम का फैमिली क्या है? ऑप्शन है सोलेनेसी, एनाकार्डियसी, कैरिकेसी, या फिर रूटेसी। राइट आंसर होगा यहाँ पर एनाकार्डियसी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आम की फैमिली क्या है? एनाकार्डियसी। यहाँ पर आप देख लिए होंगे दो क्वेश्चन तो शायद फैमिली से रिलेटेड आ चुके हैं, और एक क्वेश्चन आपका बॉटनिकल नेम से, या दो क्वेश्चन आपको बॉटनिकल नेम से आ चुका, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप बॉटनिकल नेम और फैमिली तथा ओरिजिन प्लेस आप ये तीनों अवश्य याद करके जाएंगे, आपके एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो आप UP कैडेट का दे रहे हों या BCC का या MP पैट का या JET का कोई भी दे रहे होंगे, सभी में आपका एक से दो क्वेश्चन आने वाले यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्राजीन इज अ टाइप ऑफ, एट्राजीन एक प्रकार है, एट्राजीन क्या है? ऑप्शन है पादप वृद्धि नियामक, खरपतवार नाशक, कीटनाशक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एट्राजीन है दोस्तों ये है खरपतवार नाशक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर इसका होने वाला है। तो ये हम लोगों ने फास्ट रिवीजन किया और फास्ट तरीके से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर BHU का 50 क्वेश्चन हम लोगों ने इतने कम टाइम में डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।